प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब ऐसे महापुरुष इस धरती पर आते हैं जैसे चमकपाल सिंह जी महाराज हैं, तो सिर्फ हमारा उद्धार करने नहीं आते लेकिन हमारी फ्यूचर जनरेशंस का भी उद्धार कर देते हैं। कई भाई बहन यहाँ होंगे जो सत्संग के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनके दादाजी या दादी जी या नाना जी या नानी जी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में आते थे और हमारी छोटी उम्र से ही वो हमें भी यहाँ अपने साथ लेके आते थे। तो ऐसे महापुरुष चाहते हैं कि हम सबका उद्धार हो। वो जानते हैं कि हम सब की रूह, हम सब की आत्मा परमात्मा में जाकर लीन होनी है। हम सब 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो एक बीज बोते हैं। हम सबके अंदर जो जो उस समय में रह रहे हों जबकि शारीरिक रूप में ऐसे महापुरुष धरती पर थे, और फिर वो बीज समय के साथ खिलता है, एक बड़ा वृक्ष बनता है, उस पर फल पड़ते हैं, और हर एक चीज़ जो उस वृक्ष के साथ जुड़ी होती है उसका भी उद्धार होना शुरू हो जाता है। अगर हम देखें कि संत कृपाल सिंह जी महाराज हम सबको क्या सिखा गए हैं, तो बार 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 वो हमें समझाया करते थे कि हम भजन करें, सिमरन करें, अभ्यास करें। वो जानते थे कि वो बीज नाम का जो उन्होंने हमारे अंदर बोया है, वो जो मिलाप हमारा प्रभु के शब्द के साथ उन्होंने कराया है, उसको बाकायदगी से हमने बढ़ाना है। नामदान के दिन एक छोटा सा ग्लिम्प्स हमें मिलता है कि प्रभु की ज्योति क्या है, प्रभु का शब्द क्या है, और फिर उनकी दया मेहर से, उनकी देख रेख में, हमारे थोड़े से एफर्ट से वो बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने सत्संगों में बहुत बार ये फरमाया कि जाम चले, जाम चले, जाम चले, कि वो जो बीज बोया गया है वो और बढ़े और बढ़े और बढ़े। तो बढ़ता कैसे है? एक वाक्य, एक पिताजी और उनके बेटे के बीच में है। एक पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा समझे कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि अगर इसको बताया जाए कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो बच्चे ज़्यादातर वो करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इनसे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहिए, किसी चीज़ का अनुभव होगा तो इसकी समझ इसको ज़्यादा आएगी। तो उस पिताजी ने सोचा कि बच्चे को अगर कुछ चीज़ का अनुभव होगा तो इसको ज़्यादा वो चीज़ में यकीन होगा, क्योंकि जब किसी चीज़ का हम अनुभव खुद करते हैं तो फिर वो हमने किसी से सुनी नहीं, वो हमारे साथ खुद हुआ है, हमें मालूम है कि ऐसे ही है। इसीलिए जो ये संतमत का रास्ता है, प्रभु को पाने का रास्ता है, ये रास्ता जो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज हम सबको दे गए हैं, ये रास्ता अभ्यास का रास्ता है। तो उस पिताजी ने अपने बेटे को बोला कि ये जो मकान के पीछे का एरिया है, नया मकान बनवाया था, कि इसमें ना तुम ग्रास को बो दो, घास को उगाना है यहाँ पर, तो घास को उगाने की ड्यूटी तुम्हारी है। तो बेटे ने सोचा मैंने तो कभी घास उगाया नहीं, मैं कैसे उगाऊंगा? तो पिताजी ने कहा कि मैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर छोड़ता हूँ कि तुमने डिसाइड करना है कि घास कैसे उगेगी, कैसी लगेगी, और तुम डिसाइड करके तुम यहाँ पर घास लगवाओ। तो बच्चा सोचना शुरू हो गया कि घास मैं कैसे लगाऊं, कुछ पुराना टाइम था, कभी यहाँ गया कभी वहाँ गया, फिर कर करके उसे लगा कि बेटर है कि मैं किसी गार्डनर के पास जाऊं।
कोई ऐसे इंसान के पास जाऊं जो कि घास उगाता है, जिसको फूल पौधों का पता है, ताकि मेरा बैकयार्ड भी अच्छा सजेगा। तो उसने एक अच्छा सा गार्डनर ढूंढा। तो गार्डनर ने उसको कहा कि ठीक है, यहाँ पर ना इस किस्म का सॉइल चाहिए, तुम इस किस्म का सॉइल मंगवा दो। तो उसने वो लाके, वो जो सॉइल उसको लगा था अच्छा था, वो डाला। फिर गार्डनर कहा ये बीज हैं, ये बीज ना मैं आके बोऊंगा, क्योंकि तुमने अब शायद समझ नहीं कैसे बोने हैं। तो मैं बीज बो दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम करते रहना। तो जब सॉइल ठीक ठाक पड़ गया, तो गार्डनर आया, बीज लाया, उसने बीज अच्छी तरह से जहाँ जहाँ बोने थे बो दिए, और लड़के को कहा कि हर रोज़ 1 घंटे के लिए इस समय पर तुम्हें इसको पानी देना है। और लड़के को ये भी कहा कि घबराना नहीं, समय लगता है, लेकिन घास ज़रूर उगेगी। तो बेटे ने ऐसे ही किया, रोज़ाना जो समय उसने बताया था 1 घंटे के लिए, रोज़ वो होज़ लेके अब सारा बैक यार्ड सब पे पानी डालता रहा, ताकि वो सारा बैक यार्ड में पानी प्रॉपर गिरे, जैसा कि गार्डनर करा था। तो 1 हफ्ता हो गया, तो पिताजी ने लड़के से पूछा कि तूने घास उगा ली? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने अभी ये बीज बोए हुए हैं, तो मैं पानी दे रहा हूँ जैसे मेरे को गार्डनर ने कहा है, तो आस्ते आस्ते उगेगी। वो कह रहे हैं 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए। तो पिताजी चाहते थे कि ये सही तरीके समझे उसको, फिर हर हफ्ते पूछा करते थे घास उग गई घास उग गई। तो हर हफ्ते बेटा कहता था कि अभी उगी नहीं। तो बेटे को भी लगना शुरू हो गया कि घास पता नहीं उगेगी कि नहीं उगेगी। जब जब हमें लगता है कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो उन्हें प्रार्थना करनी शुरू करी कि पानी वैसे ही देते जैसे गार्डनर को कहा, और उससे पहले प्रार्थना करे, हे प्रभु ये घास को आप अच्छी तरीके से उगा दीजिए। गार्डनर के पास गया, उसको कहा मेरी घास नहीं उग रही, तुमने ठीक से बोई है कि नहीं बोई? तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ ये ज़रूर उगेगी, तुम इसको पानी देते रहो। चंद हफ्तों के बाद एक दिन जब वो लड़का उठा, तो उसने देखा कि छोटी सी उसको ग्रीन ग्रीन हरी 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 ज़मीन के अंदर को दिखना शुरू हो गया। वो बाकायदगी से पानी देता रहा। चंद और हफ्तों में कोई पैच यहाँ पे घास का हो गया, कोई यहाँ होगा, वहाँ होगा, और थोड़े ही समय बाद सारा बैकयार्ड हरियाली से भरपूर हो गया। तो पिताजी ने उसको समझाया कि जैसे ये बीज पड़ा था और तुमने खाद पहले तो सही किस्म की डाली, और फिर तुमने इसको पानी दिया, और खाली पानी दे के तुम्हारा काम नहीं चला, फिर तुमने प्रार्थना करनी शुरू करी और पानी देते गए, और ये घास उग गई है। ऐसे ही जब हम सब परमार्थ के रास्ते पर जाते हैं, तो नाम का बीज हमारे सद्गुरु हमें हमारे अंदर बो देते हैं, और फिर उसके बोने से पहले ही हमें समझाया जाता है कि हमें सद्गुणों से अपने आप को भरना है। वो जो जो सॉइल है, जो बीज को उगने के लिए चाहिए, जो हमारी आत्मा को उभार लेना है, जो हमारा एम है, गोल है, कि हमने 84 लाख जिया जिन से छुटकारा पाना है और आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, तो उसके लिए बेसिक सॉइल तो अच्छा होना चाहिए। इसीलिए समझाया जाता है कि हम सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, हर एक के मददगार हों और प्योरिटी में रहें। जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे, तो फिर हमारी बुनियाद बनेगी। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बार सत्संगों में फरमाया करते थे कि अ लाइफ इन विच वी आर फुल ऑफ द वर्च्यूज इज द बेसिस ऑन विच स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। कि एक ऐसी जिंदगी जो
सद्गुणों की बुनियाद में बनी हो वो चाहिए। वो एक पहला कदम है हमें रूहानियत के रास्ते पर चलने के लिए।